Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Business Funnel. Today we are conducting our 19th lecture. I am your instructor Saeeda Rusna. Class previous lectures के अंदर हमने concept time value of money start किया and we have covered the topics like present value, future value. We discussed about the formulas and we also calculated some illustrations for present value and future value. We also discussed the topic annuity. Annuity क्या होती है कि equal amount at equal time interval के ऊपर आप pay कर रहे हो या receive कर रहे हो और दोनों extreme दोनों time periods आपके पास given होते हैं. वो time periods years के अंदर भी हो सकते हैं, months के अंदर भी, quarter के अंदर भी, but वो fixed time periods आपके पास given होते हैं. Annuity की example के अंदर हमने देखा कि loan जो आप कार लोन पे बैक करते हैं, स्टूडेंट लोन पे बैक करते हैं या आप प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को कैरी ऑन करते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अमॉर्टाइजिंग अ लोन, अमॉर्टाइज लोन या अमॉर्टाइजिंग अ लोन. अब जब हम लोन लेते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कि एज अ बोरोवर और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें लोन देता है वो लेंडर है. जब हम लोन लेते हैं तो लोन के टू कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट तो जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लेते हैं लोन और एक कंपोनेंट वो होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है उस लोन के ऊपर, क्योंकि ओवर द टाइम जब आप लोन डिसबर्स कर रहे होते हैं और जो लोन पे बैक होगा तो तब तक उस लोन की उतनी वर्थ नहीं होगी. जैसे कि हमने डिस्कस किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कि अगर आप 5 साल के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो 1 लाख लोन लेते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद 1 लाख की आज जो वैल्यू है वो 5 साल के बाद नहीं होगी. तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो उसके ऊपर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. एक रीजन तो ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से. सेकेंड रीजन उसका ये है कि बैंक की जो अर्निंग और प्रॉफिट है वो इसी इंटरेस्ट से होती है, जो इंटरेस्ट वो लोन के ऊपर बॉरोवर को इम्पोज करते हैं कि उन्होंने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे बैक करना है. अब जब आप लोन लेते हैं और लोन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट है और एक इंटरेस्ट है, और जो बॉरोवर है उसने ये प्रिंसिपल अमाउंट भी पे बैक करनी है और उसने इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी पे बैक करना है. अब जो अमॉर्टाइज लोन होता है वो ऐसी शेड्यूल पेमेंट्स होती हैं, इक्वल पेमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल होता है और इंटरेस्ट का पार्ट भी शामिल होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख का लोन लिया और उसके ऊपर आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हुआ है और ये 5 ईयर्स के लिए आपने ये लोन लिया है, तो जो आपका इंटरेस्ट की जितनी भी पेमेंट बनेगी, जितनी भी अमाउंट बनेगी, वो पेमेंट वो अमाउंट प्लस जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट की जो टोटल 1 लाख है उसमें से कुछ चंक्स ऑफ कुछ पार्ट ऑफ दैट प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो है वो आपने हर साल या हर महीने पे बैक करना है. तो अमॉर्टाइज लोन ऐसा शेड्यूल पेमेंट है कि एक फिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स आपने पे बैक करनी होती है बैंक को और उस इक्वल अमाउंट के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है और आपका इंटरेस्ट भी शामिल है, जो इंटरेस्ट आपको इम्पोज किया गया है उस लोन के ऊपर. तो आगे चल के हम इसको विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन भी इसको सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये शेड्यूल्ड पीरियोडिक पेमेंट्स बनती हैं और कैसे इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट ली जाती है और इंटरेस्ट की अमाउंट ली जाती है. और ये जो इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट होती है, इस तरह फॉर 5 ईयर्स अगर ये कोई लोन है तो उसकी 5 ईयर्स की ये जो पेमेंट्स होंगी इसके अंदर इंटरेस्ट भी आप हर साल पे बैक कर रहे हैं और प्रिंसिपल भी पे बैक कर रहे हैं और इस तरह आपका हर साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिड्यूस होती जाएगी और आपकी पेमेंट जो है वो पे बैक होती जाएगी. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट या जो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हेल्प आउट करेगा लोन की इंस्टॉलमेंट्स बनाने में और उसका जो पीरियोडिक पेमेंट पे बैक शेड्यूल है वो बनाने में हेल्प आउट करता है. कि पेमेंट्स जो है ये आप मंथली भी कर सकते हैं, सेमी एनुअली या क्वार्टरली भी कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी लोन की पेमेंट्स जो है वो कितने टाइम फ्रेम के अंदर आप पे बैक करना चाह रहे हैं। Amortizing a loan with the help of an illustration we are now discussing and calculating. Illustrate with the simplest case of annual payments. Suppose you borrow $22,000 at 12% compound annual interest to be repaid over the next 6 years. Equal installments payments are required at the end of each year. In addition, these payments must be sufficient in amount to repay the $22,000 together with providing the lender with the 12% return. To determine the annual payment, see we set up the problem as follows. अब इस illustration के अंदर हमें जो given values हैं, suppose हम borrow करते हैं $22,000 लोन लेते हैं, $22,000 लोन ले रहे हैं और उस लोन का जो प्रिंसिपल $22,000 अमाउंट है इसके ऊपर 12% हमें इंटरेस्ट चार्ज किया गया है और वो इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, एनुअल इंटरेस्ट है और हमें ये लोन जो $22,000 है ये हमें नेक्स्ट 6 ईयर्स में पे बैक करना है और हर साल के एंड पे हमें ये पे बैक करना है। तो हमने ये देखा था कि जो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है उसमें ये होता है कि आप एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड आप पेमेंट करते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे हमें क्लियर हुई कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है कि लोन हमने आज बोरो किया है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का ये केस है। एंड इन एडिशन दीज पेमेंट्स आर मस्ट बी सफिशिएंट इन अमाउंट टू रीपे द $22,000। तो हमने वो इक्वल अमाउंट ऑफ की जो पेमेंट है या वो इंस्टॉलमेंट है वो हमने फाइंड आउट करनी है जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं और सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू सी विच इज द इक्वल पेमेंट्स जो होती है एन्युटी के केस के अंदर मल्टीप्लाई 1 - 1/1 + i raised to the power n होल डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू भी गिवन है विच इज 12% कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट है, एन जो है वो 6 ईयर्स है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो $22,000 है और हमें कैसे पता चला कि ये ऑर्डिनरी है क्योंकि यहाँ पे गिवन है दैट इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हर साल के एंड पे जब ये पेमेंट हो रही है तो ये ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी एन्युटी है। अब इसको सॉल्व करते हैं इस इलस्ट्रेशन को। हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को हमने के अंदर सारी वैल्यूज को इंसर्ट किया और प्रेजेंट वैल्यू हमने हमारे पास $22,000 है, सी हमने फाइंड आउट करना है जो इक्वल अमाउंट या जो इक्वल पेमेंट्स होती है और यहाँ पे आई की 12% है जिसको हमने 0.12 and raised to the power 6 ये वैल्यूज हमने अप्लाई की और हमारे पास जो आंसर इसका सी का आ रहा है वो है $53,351.49। ये हमारी सी की वैल्यू है। मीन्स के हम नेक्स्ट 6 ईयर्स तक $5,351 जो है वो पे करेंगे हर साल के एंड पे। तो हमारा ये लोन और इसके ऊपर जो 12% का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ये पे बैक होगा। तो अब अमोर्टाइजिंग अ लोन के अंदर फर्दर क्या, अब ये तो हमें अमाउंट पता चल गई कि हमारी जो इक्वल वैल्यू एट इक्वल टाइम इंटरवल के ऊपर हमने पे बैक करनी है वो वैल्यू हमें पता चल गई। बट हमने यहाँ पे फाइंड आउट ये करना है कि 5351.49 जो कि हमारी इक्वल पेमेंट्स की जो कैश आउटफ्लो की वैल्यू है इसके अंदर हम प्रिंसिपल कितना पे बैक कर रहे हैं और इंटरेस्ट का कितना पार्ट है, कितना पोर्शन इस $5,351 के अंदर हमारा कितना पार्ट जो है वो इंटरेस्ट का पार्ट है, मे बी 2,000 हो, मे बी 3,000 हो और कितना पार्ट प्रिंसिपल अमाउंट का है जो कि हमारा $22,000 थी। तो हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल बनाना है और वो टेबल जो है वो अमोर्टाइजिंग लोन या अमोर्टाइज लोन का पीरियडिक पेमेंट का टेबल होगा। इस स्पेशल रजिस्ट्रेशन को की पीरियडिक पेमेंट्स जो हैं वो बनाने के लिए हम ये टेबल बना रहे हैं अमोर्टाइज लोन का। और सबसे पहले हम यहाँ पे हम एंड ऑफ ईयर, क्योंकि पेमेंट हम एंड ऑफ ईयर पे बैक कर रहे हैं तो ईयर एंड पे हमने पेमेंट्स करनी है। ये आज की डेट है जिसमें हमने लोन लिया जीरो से। ऑब्वियसली जो प्रेजेंट टाइम लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो प्रेजेंट होता है या जो आज की डेट होती है वो जीरो होती है, और फिर फर्स्ट ईयर होगा, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, क्योंकि हमने 6 ईयर्स तक पेमेंट करनी है, देन फोर्थ ईयर, देन फिफ्थ ईयर एंड देन सिक्स्थ ईयर। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमने जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है वो कितनी करनी है। इंस्टॉलमेंट कितनी पे बैक करेंगे जो कि हमने अभी कैलकुलेट की थी 5351, वो अमाउंट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम मेंशन करेंगे कि इस इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, एनुअल इंटरेस्ट जो हम इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है इस इंस्टॉलमेंट के अंदर। फोर्थ हम ये थर्ड कॉलम में या थर्ड पॉइंट पे और फोर्थ कॉलम में हम ये मेंशन करेंगे कि इस इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर प्रिंसिपल जो अमाउंट है जो 22,000 है उसका कितनी पोर्शन जो है वो इस इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर होगा, उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। और फाइनली हम कैलकुलेशन करेंगे कि जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, अब वो जब हम हर साल उसकी कुछ पोर्शन जो है उस प्रिंसिपल अमाउंट का पे बैक कर रहे हैं तो हर साल के एंड पे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी रह जाएगी, तो ये कैलकुलेशन करेंगे। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे $22,000 जो हमने आज बोरो किया वो मेंशन करेंगे। और क्योंकि आज की डेट में हमने बोरोइंग किया तो आज तो हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे इस साल प्रेजेंट में, और एनुअल इंटरेस्ट भी कोई नहीं पे करेंगे, और प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो भी पे नहीं करेंगे क्योंकि आज ही तो हमने बोरोइंग की है। अब जब आज से एग्जैक्टली आज की डेट से और फिर नेक्स्ट ईयर सेम डेट के अंदर जब हमारा वन टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे और वो होगी $5351। और ये अमाउंट जो है ये हमने ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स हमने यही पेमेंट करनी, ये हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है, तो हम इसको फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स हम इसको वन टाइम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये यही एनवीडी के कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं कि इक्वल पेमेंट्स एट इक्वल टाइम इंटरवल के ऊपर, और क्योंकि एट द एंड पे हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये ऑर्डिनरी एनवीडी है इस केस के अंदर। अब हम ये देखना है, हमने ये कैलकुलेशंस करनी है कि 5351 की जो इंस्टॉलमेंट है इसके अंदर कितना पोर्शन एनुअल इंटरेस्ट का है और कितना पोर्शन प्रिंसिपल अमाउंट का है। और एट लास्ट हमने ये देखना है कि जब हम प्रिंसिपल अमाउंट का 22,000 में से कुछ पेमेंट हम पहले साल के अंदर कर लेंगे तो पीछे हमारे पास रिमेनिंग कितनी अमाउंट रह जाएगी, वो हमने इस लास्ट कॉलम के अंदर मेंशन करनी है। तो फर्स्ट हम कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं एनुअल इंटरेस्ट रेट जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 12% लगा है तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट अमाउंट आएगी वो ये होगी कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है $22,000 उसका 12%, क्योंकि उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट है, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 22,000 का इंटू 12% जितनी भी अमाउंट बनेगी वो यहाँ पे वो एनुअल इंटरेस्ट होगा। सो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसको मेंशन करती हूँ 22,000 मल्टीप्लाई विद द 0.12 और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो है 2640, और ये वो अमाउंट है कि जो हम 5351 में से 2640 इंटरेस्ट की अमाउंट है, और रिमेनिंग जो माइनस जो अगर हम 5351 में से 2640 इंटरेस्ट है तो जो रिमेनिंग होगा वो ऑब्वियसली प्रिंसिपल पेमेंट होगी। तो यहाँ पे 1 - 2 ये मैंने कॉलम में मेंशन किया है, विच मीन्स कि ये जो ये वैल्यू है वन कॉलम की इंस्टॉलमेंट पेमेंट की 5351 -2640, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारी प्रिंसिपल पेमेंट है। इसीलिए यहाँ पे ये जो $22,000 -3 किया हुआ है और ये 3 जो है ये यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 19289। अब रिमेनिंग जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, क्योंकि 1 साल की तो हमने पेमेंट कर दी, नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी रिमेनिंग रहेगी वो $19,289 जो है ये पेमेंट रिमेनिंग रह गई है। अब सेकेंड ईयर में आते हैं। अब सेकेंड ईयर में हमने अब $22,000 के ऊपर 12% उसका नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि हमने 19289 मल्टीप्लाई विद द 0.12 हमारा आंसर है 2315। अब सेकेंड ईयर में हमने जो इंटरेस्ट पे किया वो है 2315। 5351 जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है उसके अंदर 2315 का इंटरेस्ट है और रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी -2315 इज इक्वल, तो जो रिमेनिंग $3,036 की जो अमाउंट है ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हमने पे की सेकेंड ईयर में। और अब हमारे पास जो एट द ईयर एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट जो रिमेनिंग रह गई है वो है वो इस तरह होगी दैट 19289 -3036 इज इक्वल टू 16253 $। अब थर्ड ईयर में क्या होगा दैट, क्योंकि सेकेंड ईयर के में रिमेनिंग अमाउंट हमारी 16253 प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग थी, अब 16253 मल्टीप्लाई विद 0.12 इज इक्वल 1951। थर्ड ईयर में हमारी जो 5351 की अमाउंट थी इंस्टॉलमेंट के अंदर 1951 हमने इंटरेस्ट पे किया और रिमेनिंग जो भी अमाउंट बची होगी वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट थी 1951 इज इक्वल 3400 और 16253 जो कि लास्ट ईयर हमारी प्रिंसिपल रिमेनिंग थी जो हमने पे बैक कभी करनी थी उसमें से हमने $3,400 हमने और पे कर दिए, तो रिमेनिंग हमारे अब जो थर्ड ईयर के एंड पे हमारे पास जो वैल्यू हम रह गई प्रिंसिपल अमाउंट की वो 12,850 थी। अभी आप देखें कि $22,000 की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ओवर द टाइम डिक्रीज होती जा रही है और इंस्टॉलमेंट के अंदर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और जो इंटरेस्ट की हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट वो ओवर द टाइम डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर हमने 2640 पे किया, सेकेंड ईयर 2315, देन 1951 और फर्दर अब इस साल के अंदर फोर्थ ईयर के अंदर 12853 मल्टीप्लाई विद 0.12 इज इक्वल $1542। अब 5351 जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें से हम 1542 को माइनस करेंगे ये देखने के लिए कि हम इस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल की अमाउंट है 3809। 12853 जो लास्ट ईयर का हमारा प्रिंसिपल रिमेनिंग था उसमें से हमने 3809 को माइनस किया और रिमेनिंग हमारा पास आंसर है 9044। अब हमने फोर्थ ईयर के एंड पे हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो $22,000 से कम हो गया, अब $9,044 तक रह गई है। क्योंकि हमने ये लोन 6 ईयर्स के लिए लिया था, तो ये शेड्यूल जो बनेगा ये 6 ईयर्स तक बनेगा। 5th ईयर में क्या होगा दैट 9044 डॉलर जो रिमेनिंग लास्ट ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट थी उसका हमने 12% लेना है 0.12, ये देखने के लिए कि हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इस साल। 1085 की अमाउंट हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर, और प्रिंसिपल की जो वैल्यू होगी -1085, तो रिमेनिंग जो होगी वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी और वो है 4266। अब 9044 लास्ट ईयर का रिमेनिंग प्रिंसिपल था, उसमें से 4266 हमने पे कर दिया इंस्टॉलमेंट के अंदर, और रिमेनिंग हमारे पास जो रह गया 4778 डॉलर्स। अब लास्ट ईयर में क्या होगा जो 6th ईयर है हमारा, 4778 पे हम ये देखेंगे कि हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 0.12। आंसर इज 573, ये हम इंटरेस्ट पे किया हमने लास्ट ईयर, और 5351 में से हम जब 573 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 4778 की वैल्यू आएगी। अब आप ये देखें कि लास्ट ईयर में ये लास्ट ईयर का रिमेनिंग बैलेंस 4778 था, 4778, और इस साल की जो हमने पेमेंट की है इस इंस्टॉलमेंट के अंदर 5351 के अंदर 4778 का हमने प्रिंसिपल पे कर दिया, तो रिमेनिंग अब जो हमारे पास आंसर है वो 0 है। तो एट द एंड ऑफ लोन का जो टाइम पीरियड था 6 ईयर्स का, तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 0 हो गई है, और जो हमारी इंटरेस्ट जो हमने पे बैक करना था वो हम साथ साथ पे बैक कर रहे थे। और आप ये देखें कि इंटरेस्ट की वैल्यू 2640 फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड में 2315 थी, थर्ड ईयर में 1951 थी, फोर्थ ईयर में 1542 थी। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुए ओवर द टाइम, और लास्ट वैल्यू हमने इंटरेस्ट की पे की 573, जबकि प्रिंसिपल पेमेंट 2711 से स्टार्ट होके 4778 तक मीन्स के ओवर द टाइम ये इंक्रीज होती गई। अब हम इन सबको एड अप करके देखते हैं कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया और कितना प्रिंसिपल पे किया। तो इन सबको हम 5351 फॉर 6 ईयर्स को हम एड अप करें तो हमारे पास वैल्यू बनती है 32106 डॉलर्स, मीन्स के हमने 32,106 डॉलर्स की जो पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट की हमने सारी वैल्यू जो पे बैक की है वो, जबकि लोन हमारे 22,000 डॉलर का था और हमने रिटर्न या पे बैक जो किया है वो 32,000 डॉलर किया है। और हम इन सब वैल्यूज को एड अप करेंगे 2640 प्लस 2315 प्लस 1951 प्लस 1542 प्लस 1085 प्लस 573, तो आंसर इज 1010 डॉलर्स। हमने 10,106 डॉलर जो है वो लोन पे इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि यहाँ पे हमने एनुअल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और प्रिंसिपल को एड अप करेंगे 2711, 3036, 3400, 3809, 4266, 4778, इन सबको एड अप करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 22,000 डॉलर आएगा, और ये सेम वही अमाउंट है जो हमने बोरो की एज अ लोन। तो यहाँ से हमारा जो पीरियोडिक पेबैक टेबल है लोन का वो कंफर्म भी हमें हो जाएगा कि हमने इसको इसकी कैलकुलेशंस करेक्ट की हैं, दैट जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट है और जो हमारी प्रिंसिपल पेमेंट की अमाउंट है इन दोनों को एड अप करें तो हमारा जो 32106 जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हमने की हैं और वो अमाउंट बनती है, और ये वही सेम अमाउंट है कि इस अमाउंट के अंदर हमारा प्रिंसिपल 22,000 डॉलर का भी अंदर इसके अंदर है, और प्लस हमारा जो हमने इस पे इंटरेस्ट पे किया है वो भी इसके अंदर है। तो इस तरह हम अमोर्टाइज लोन का शेड्यूल पेमेंट शेड्यूल बनाते हैं जो कि पीरियडिक पेमेंट्स होती हैं। इक्वल अमाउंट की पेमेंट हमने की 5351 की पेमेंट की फॉर 6 ईयर्स, हमने 6 ईयर्स तक इसकी पेमेंट की। और हमने ये देखा कि इस $5,351 के अंदर पहले साल एनुअल इंटरेस्ट कितना था और इस 5351 के अंदर प्रिंसिपल की पेमेंट कितनी थी, अमाउंट कितनी थी। और ओवर द टाइम फॉर 6 ईयर्स इसकी एनुअल इंटरेस्ट की पेमेंट्स डिक्रीज होती गई और प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो इंक्रीज होती गई। और आफ्टर 6 ईयर्स हमारा जो प्रिंसिपल लोन था प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था हमने वो पे बैक कर लिया। The amount of principal payment is simply the total installment payment minus the interest payment। कि जो हमारी प्रिंसिपल पेमेंट की जो अमाउंट है वो सिंपली हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट में से एनुअल इंटरेस्ट को माइनस किया तो हमारी प्रिंसिपल पेमेंट जो कि इस इंस्टॉलमेंट का हिस्सा थी वो अमाउंट है। नोटिस दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेमेंट कंपोज्ड ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइंस ओवर टाइम वेयर इज द प्रोपोर्शन कंपोज्ड ऑफ द प्रिंसिपल इंक्रीजेस। अब जहाँ पे पहले भी हमने बात की कि जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो ओवर द टाइम डिक्रीज कर रही है और जो प्रिंसिपल पेमेंट की अमाउंट है वो ओवर द टाइम इंक्रीज कर रही है। 2711 से 4778 हो गई। एट द एंड ऑफ 6 ईयर अ टोटल ऑफ $22,000 इन प्रिंसिपल पेमेंट विल हैव बीन मेड एंड द लोन विल बी कम्प्लीटली अमॉर्टाइज। जब एट द एंड ऑफ 6 ईयर हमने ये देखा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग थी वो कम्प्लीटली अमॉर्टाइज हो गई, मीन्स की पे बैक हो गई। And the breakdown between the interest and principal is important because on the business loan only interest is deductible as an expense for the tax purposes। तो यहाँ पे हमने इस इंस्टॉलमेंट का ब्रेकडाउन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिजनेस के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस पे बैक करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं और जो इंटरेस्ट पे करके फिर जो हमारी जो नेट इनकम या जो हमारा प्रॉफिट होता है उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो हर साल में हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू वेरी कर रही है सो अकॉर्डिंगली हमें फिर टैक्स की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली पे करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए इसका ब्रेकडाउन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने जब हमने इनकम स्टेटमेंट की रेशियोज भी कैलकुलेट की थी और इनकम स्टेटमेंट को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT के बाद हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं जो इंटरेस्ट की वैल्यू, उसके बाद फिर टैक्स को माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट के बाद टैक्स को रखने का यही मकसद होता है कि हम जो इंटरेस्ट की वैल्यू जब पे कर लेते हैं, जो एक्सपेंसेस अपने पे कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी नेट प्रॉफिट या नेट इनकम होती है उस पे हमें टैक्स अप्लाई होता है और हम उसका टैक्स पे करते हैं। सो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस जो हैं वो डिपेंडेंट हैं इस इंटरेस्ट की वैल्यू के ऊपर, इसलिए हमें इसका इंस्टॉलमेंट का ब्रेकडाउन करके ये देखना होता है कि हम कितना उस साल के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर इज मोस्ट वेलकम। Thank you.